सरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। ۲۰۰۶ के उमेश पाल अपहरण कांड में माफिया अतीक दोषी करार, माफिया को मिले उम्र कैद की सजा। उमेश पाल किडनैपिंग का मामला, अतीक के भाई अशरफ सहित 7 दोष मुक्त। माफिया अतीक अहमद को मिली उम्र कैद की सजा, फिलहाल दोषी करार होने के बाद प्रयागराज की नैनी जेल में ही रहे अतीक। महाराजगंज में प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र ने लगाई चौपाल, बोले योजना का क्रियान्वयन नहीं होने पर तय होगी जवाबदेही। भूपेंद्र चौधरी ने सपा सरकार पर किया वार, बोले अतीक पिछली सरकारों का पोषित माफिया, सपा हमेशा अराजकता के पक्ष में रही है। यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में बैठे साल्वर समेत 8 अरेस्ट, कॉलेज प्रबंधक से मिलीभगत करके परीक्षार्थी की जगह बैठा दिए सॉल्वर। जमीन वापस लेने पर मां बाप को मार डाला बेटा, बोला कोई रास्ता नहीं था इसलिए गला दबाए, बुजुर्ग दंपति खेत में झोपड़ी बनाकर रहते थे। ۱۰۰۰۰ के नकली नोट के साथ 3 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड ने यूट्यूब देखकर नकली नोट छापने का तरीका सीखा था। मीट के लिए पत्नी की गला रेत कर हत्या, बेटी बोली अंडे की सब्जी बनाने पर अब्बू गुस्सा हुए, अम्मी को चाकू मारा तो वो तड़प रही थी। लखनऊ में पिता ने बेटे को मार डाला, बहू के जेवर बेचने को लेकर घर में हुआ विवाद, तैश में आकर चाकू से सिर पर किए कई बार। बस्ती में सड़क हादसे में 3 की मौत, 2 घायल, बाइकों की आमने सामने टक्कर, सड़क पर गिरे युवकों को ट्रेलर ने कुचल दिया। कानपुर में दरोगा की वर्दी में गर्लफ्रेंड ने बनाई रील, रील वायरल होने के बाद कमिश्नर ने दोनों को किया सस्पेंड। फतेहपुर में एसपी ने चलाया चेकिंग अभियान, संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी ली, देर रात बेवजह घूमने वालों को दी गई चेतावनी। स्वच्छता की धज्जा उड़ा रहा है पालिका का जलता डंप, कूड़ा कूड़े में आग लगने से आसपास रहने वाले लोग हो रहे हैं परेशान। आजम के करीबी सपा विधायक के घर नोटिस, जसपा कोर्ट में हाजिर होने को पुलिस ने कराई मुनादी, कई बार जारी हो चुके हैं समन। मेरठ में 2 पक्षों में मारपीट, दबंगों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से किया हमला, 6 घायल, कूड़ा डालने को लेकर हुआ था विवाद। घर में घुसकर युवक पर चाकुओं से बोला हमला, 4 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, कार्रवाई में जुटी पुलिस। बिजनौर में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 1 दिन में 5 केस और मिले, अब पॉजिटिविटी मरीजों की संख्या हुई 10। चंदौली में ऑटो चालक ने रचाई किन्नर से शादी, ऑटो में हुआ था दोनों के बीच प्यार, 7 महीने तक लिविन में रहे। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू, 23 लाख मतदाता करेंगे वोट, 1 अप्रैल को जारी।
गाजीपुर में सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता अजय राय, बोले सरकार पहले चेत जाती तो उमेश पाल की हत्या नहीं होती। आगरा में पानी के लिए तरस रहे लोग, 3 दिन से नहीं हो रही आपूर्ति, जल कल विभाग बोला आज शाम मिलेगा पानी। बिजनौर में गुलदार ने 2 लोगों पर किया हमला, बच्चे व साइकिल सवार घायल हुए, ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने की मांग की। कोरोना का बड़ा खतरा बने कोरोना वार्ड, प्रयागराज में मिले हैं कोरोना के 2 मरीज, सैंपलिंग सेंटरों को किया गया अलर्ट। मथुरा में दिव्यांगों को दी गई ट्राईसाइकिल, मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने छात्र छात्राओं को दिए टैबलेट व लैपटॉप। ओएलएक्स पर बेची चोरी की बाइक, अस्पताल और पार्किंग के बाहर से चुराई थी, अमेठी के 2 शातिर अरेस्ट। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, 1 की हालत नाजुक, तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। देवरिया में घर में सो रही किशोरी लापता, 14 दिनों से तलाश रहे परिजन, मां बेटे पर अपहरण का आरोप लगाकर गुमशुदगी दर्ज कराई। पीलीभीत में 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, युवक की जेब से काटकर 50,000 उड़ाए थे तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी में 24 घंटे में मिले 74 कोरोना केस, 11 दिन में 410% बढ़े केस, पिछले साल नवंबर का रिकॉर्ड टूटा। हमीरपुर में खनिज अधिकारी सुभाष सिंह पर लगे गंभीर आरोप, खनिज अधिकारी किस्सा पर चल रहा है मोरंग के अवैध खनन का खेल। लखनऊ में पिता ने की इकलौते बेटे की हत्या, नाराज पिता ने चाकू से बेटे पर किए वार, बेटे की हत्या पर पिता मौके से हुआ फरार। बुलंदशहर के सियाना तहसीलदार न्यायालय में तमंचे की बट से पिता और पुत्र पर हुआ हमला, तहसीलदार न्यायालय में चल रहे मुकदमे में गवाही के लिए गए थे पीड़ित। लखनऊ में अधिवक्ता विद्यावारिधि मिश्रा ने की अधिवक्ताओं से अपील, कहा अनावश्यक रूप से अधिवक्ता एमपी एमएलए कोर्ट में ना जाएं। कन्नौज में दिव्यांग के सिर में मिली कई चोटें, अधिक खून बहने से दिव्यांग की हुई थी मौत, दिव्यांग हत्याकांड में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में कई सरकारी दफ्तरों में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी, कृषि विभाग और जिला कल्याण विभाग के दफ्तर में पड़ा छापा, पिछले काफी समय से इन विभागों की मिल रही थी शिकायत। लखनऊ में मत्स्य निगम में मत्स्य मंत्री संजय निषाद का औचक निरीक्षण, मत्स्य मंत्री खंगाल रहे रजिस्टर और फाइल, कई कर्मचारी और अधिकारी रहे गैर मौजूद। लखनऊ में 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी, पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा रिपोर्ट कार्ड। लखनऊ में टैक्स वसूली को लेकर नगर आयुक्त सख्त, सभी जोनल अधिकारियों को नगर आयुक्त ने दिया आदेश। लखनऊ में एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने फिटनेस सेंटर का किया निरीक्षण, सेंटर चला रहे ठेका कंपनी को दिया अल्टीमेटम। लखनऊ में बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अवमानना के मामले में वारंट किया जारी। अमेठी में विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम ग्राम प्रधान, एसडीएम का किया भव्य स्वागत।
औरैया में दिखा तेज रफ्तार का कहर, डीसीएम और रिक्शा की हुई टक्कर, हादसे में सब्जी विक्रेता की हुई मौत। बाराबंकी में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्राली, हादसे में ट्रैक्टर ट्राली के चालक की मौत। बाराबंकी में ट्रेन की पटरी पार करते समय वृद्ध की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। हरदोई में बदमाशों ने तमंचे की नोक पर युवक को बनाया निशाना, लूटपाट कर बदमाश हुए फरार। सुल्तानपुर में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन, 201 जोड़ों का हुआ विवाह। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, प्रेमिका के परिजनों पर लगा हत्या का आरोप। औरैया में एनटीपीसी ने निकाला बिजली उत्पादन का नया तरीका, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से होगा बिजली उत्पादन। बाराबंकी में डीजे पर डांस को लेकर हुआ विवाद, विवाद में 5 लोग हुए घायल। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने 4 लोगों को रौंदा, हादसे में 3 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। मथुरा में ट्रक में लगी आग, 200 बोरी चीनी जली, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। बिजनौर में कार और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोग घायल, 1 बच्चे को हायर सेंटर किया गया रेफर। लखनऊ के गोमती नगर बस्तार चला एलडीए का बुलडोजर, 3 अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त, होटल अपार्टमेंट समेत 3 अवैध निर्माण को किया गया सील। अयोध्या में रामायण कार्यक्रम का आयोजन, लखनऊ और बनारस के कलाकारों ने कथक नृत्य से लोगों का मन मोह लिया। बांदा में प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को मारी गोली, प्रेमी गंभीर हालत में भर्ती, दोनों की शादी कराने की बात कही फिर बंधक बनाकर पीटा। मऊ में 2 घरों में लगी आग, आग लगने से घर में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, हादसे के बाद इलाके में मचा कोहराम। चित्रकूट के जेल मिलन कांड में हो रहे नए खुलासे, पूरे मामले में अभी तक 10 लोग जा चुके हैं जेल, कई संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिस। हाथरस में जल्द खुलेगा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, शासन से मिली स्वीकृति, लाइसेंस बनाना और होगा आसान। फर्रुखाबाद में इलाज के दौरान 7 वर्षीय बच्ची की मौत, नर्सिंग होम के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप, 10 दिन से बच्ची को आ रहा था बुखार। हरदोई में 3 महिलाएं निकली कोरोना पॉजिटिव, महिलाओं को कराया गया होम आइसोलेट। लखीमपुर के सैदापुर फार्म हाउस पर रामलीला का आयोजन, रामलीला देखने के लिए लोगों का उमड़ा हुजूम। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर ओएचई लाइन चोरी करने वाले 6 गिरफ्तार, चकेरी थाना पुलिस और आरपीएफ की टीम ने पकड़ा, चोरी का सामान हुआ बरामद।
सहारनपुर में सहायक नगर आयुक्त सहित दुर्घटना में चार घायल। नगर निगम के गेट पर ही हुआ हादसा, आरोपी चालक गाड़ी छोड़कर हुआ फरार। वाराणसी में अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को मारी टक्कर, दो की हालत गंभीर। बीएचयू के ट्रामा सेंटर रेफर, डॉक्टर की गाड़ी बताई जा रही है। अमेठी में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है वजह, पुलिस जांच में जुटे। रमजान और नवरात्र में आसमान छू रहे फलों के दाम, मंडी में फलों की आवक हुई कम, बाजार में बढ़ी बिक्री। मैनपुरी में अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो, दो बच्चों सहित 10 लोग सवार थे, सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। शाहजहांपुर में विधवा महिला के मकान पर कब्जा, महिला ने सीएम संबोधित, सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन, मांगे इच्छा मृत्यु। हरदोई में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से युवक की मौत, राहगीरों ने युवक को पहुंचाया अस्पताल। संत कबीर नगर में मारपीट के आरोपियों को 3 साल जेल, 14 साल पहले बच्चों के विवाद के बाद बड़ों में हुई थी मारपीट, कई घायल हुए थे। सीतापुर में सड़क हादसे में जे की मौत, बाइक को अज्ञात वाहन टक्कर मारकर हुआ फरार, पुलिस जांच में जुटी। फिरोजाबाद में गैंगस्टर के आरोपी को हुई 10 साल की सजा, 2013 गैंगस्टर का मुकदमा किया गया था दर्ज, 5,000 का लगाया गया अर्थदंड। लखनऊ में ठेले पर शव ले जाने का वीडियो हुआ वायरल, पत्नी रोते बिलखते पति के साथ 5 किलोमीटर तक साथ चलती रही, आर्थिक तंगी के कारण नहीं कराया गया इलाज। सहारनपुर में नगर निगम के गेट पर 120 किलोमीटर रफ्तार पर टक्कर, कार छोड़कर ड्राइवर भागा। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।